मेरे महान योद्धा धूम्रलोचन का वध कर दिया इस नारी ने। आओ दुष्टो, आओ और आओ और अपनी मृत्यु से भेंट करो, क्योंकि पाप और पापियों का अंत करना तो मेरा स्वभाव है। आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। जिस युद्ध का परिणाम हमें पता है, उसे दोहराने में क्या लाभ है? इसी देवी से तो हम सब पराजित हुए थे। एक बार पुनः पराजित होने में भला क्या बुद्धिमानी है? मेरा आदेश है, आक्रमण करो। क्या मेरे शब्द से ही भयभीत हो गए? भयभीत होना तो असुरों का स्वभाव नहीं, फिर ये एक अबला नारी से कैसे भयभीत हो गए? भंडासुर का युद्ध तो आरंभ होने के पहले ही अंत की ओर है। ये क्या, एक नारी के शब्द सुनकर तुम सबका रक्त शिथिल कैसे पड़ गया? वो असुर ही क्या जिसका रक्त अपना ताप खो दे? भंडासुर ऐसा होने नहीं देगा। असुरों के रक्त में उबाल मैं लाकर रहूंगा। आगे बढ़ेंगे, अंत करेंगे इस नारी का। तुम कुछ समय और इस नारी को उलझा कर रखो। मेरे हाथ पुनः बढ़ते स्त्री को स्तंभित कर मैं उसे बंदी बना लूंगा। अस्त्र प्रहार कंडा तो दूर, उसे एक पग भी आगे पढ़ने का अवसर नहीं देंगे। अब व्यर्थ में चिंतित ना हो। इस तुच्छ स्त्री को स्तंभित करने की कोई आवश्यकता नहीं है सम्राट शुंभ। हम तो इसे बड़ी सरलता से बंदी बना लेंगे। मैं रक्त बीज, रक्त ही मेरा आधार। मैं करूंगा वार, इस बार इस नारी के रक्त से स्वयं को तृप्त करूंगा, पान करूंगा इसके रक्त का। ये सभी असुर एक साथ माता और उनकी सेना पर आक्रमण कर रहे हैं। शक्ति के सामने सब तुच्छ है। रक्त बीज है हम, रक्त ही हमारा आधार। हमारे रक्त के जितनी बूंदे धरा पे गिरेंगी उतने ही रक्त बीज उत्पन्न होंगे। इसका रक्त बहने से हमारी सेना में विस्तार होता है, अवश्य अगला वहां किसी पर होना चाहिए। लो, लो, लो,
हमारी इन विद्युत तरंगों से अब तुम्हारा बच पाना संभव नहीं है मूर्ख स्त्री। हम इन दोनों को मिलाकर ही श्वास लेंगे। मूर्ख, जो विकार को अपने सामने देख उसे ही भारी स्वर में चुनौती दे, उससे बड़ा मूर्ख तो और कोई हो भी नहीं सकता। इसलिए मूर्ख मैं नहीं, तुम हो मूर्ख। अब समय आ गया है इन्हें अपने विकराल रूप से परिचित कराने का। कोई नहीं टिक सकता। बहुत हुआ तुम्हारा शक्ति प्रदर्शन, अब और नहीं। अब हमारे विद्युत अस्त्र अंत करेंगे तुम्हारा। अंत तो निश्चित। अब रुकने वाला नहीं है और तीव्रता से आक्रमण करूंगा मैं। हम सुरक्षित हैं। हाँ भ्राता, हमें कोई क्षति नहीं पहुंची। भ्राता विष्णु, छलांग लगाओ, तभी हमें रक्षा होगी। इसका अवसर कहाँ है भ्राताश्री? मेरे सभी असुर महायोद्धाओं को ऐसे कैसे पराजित कर सकती है ये? मूर्ख, देखिया क्या तुमने? असंख्य और रक्त बीज उत्पन्न कर माता को घेरने के लिए रक्त की वर्षा की है इन दुष्टों ने।
तो उचित है, इसका परिणाम तो तुमको भुगतना ही होगा। लाल धूम्र तो माता के लाल आंचल के समान है। माता अवश्य कुछ अद्भुत करने वाली है। महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। इस सृष्टि के अंत में ही मेरा आरंभ छिपा है। वंत चाहे कोई असुर करे या कोई देवी देवता, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तो बस अपनी बनाई हुई सृष्टि चाहिए। शीघ्र ही जब ये सब समाप्त होगा और सब नष्ट होगा तो एकमात्र भंडासुर ही शेष रह जाएगा। पिछली बार भी माँ महाकाली के क्रोध और उनकी भूख दोनों को शांत करना कठिन हो गया था, किंतु पिताश्री के आने से ही माँ शांत हुई और तभी सब पुनः सहज हुआ। पिताश्री महादेव रौद्र हैं, तो शांति और संतुलन के रक्षक भी हैं। उनका अनंत शांति संपन्न रूप ही माता को शांत करा सकता है, किंतु प्रभु महाशिव तो स्तंभित हैं। हम उनका आवाहन तो नहीं कर सकते, किंतु मुझे विश्वास है पिताश्री प्रभु महादेव के आगमन से ही हमारी सहायता हो जाएगी, क्योंकि प्रभु महाशिव और महादेव का मूल तत्व तो एक ही है। पिताश्री, हे महादेव, हमें आपकी आवश्यकता है। दर्शन दीजिए पिताश्री, क्योंकि आपके ही दर्शन से माँ महाकाली का ये रौद्र रूप शांत हो सकता है। महाकाली, रक्त बीज का अंत हो चुका है, इसलिए कृपा करके आप भी शांत हो जाइए। देवी महाकाली, देवी महाशक्ति, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, शांत हो जाइए, कृपा करके शांत हो जाइए। माता महाकाली तो पिताश्री महादेव का अनुरोध सुनकर भी नहीं रुकी, तो मुझे सभी ब्रह्मांडों से समस्त प्रभु महादेव का आवाहन करना होगा। कदाचित उनका संयुक्त शिव तत्व माँ को शांत करने में सहायक बन सके। शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए।
असुर वही हो रहा है जो तुम चाहते हो, विस्फोट। अब इसे कौन रोक सकता है? क्योंकि जो इसे रोक सकता है वो तो स्तंभित है। भंडासुर, तुम्हारी जय हो। देवी महाशक्ति, देवी महाकाली, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, देवी शांत, शांत हो जाइए। माता, पिछली बार तो माता महाकाली पिता श्री के आगमन से ही शांत हो गई थी, तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मेरी सहायता कीजिए माता, अन्यथा इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हमें प्रभु महाशिव का आवाहन करना ही होगा माता, उन्हें स्तंभन से बाहर आना ही होगा, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ईश्वर के लिए धर्म के साथ रहना ही उनका कर्तव्य है, और प्रभु महाशिव तो धर्म का ही साथ देंगे, ना कि उस पापी अधर्मी भंडासुर का। माता मेरी पुकार सुनिए, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपा करके शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। माता दया कर प्रभु महाशिव का आवाहन कीजिए। अब हमें बहुत विलंब हो चुका है पुत्र गणेश, अब प्रभु महाशिव को उनकी स्तंभित अवस्था से बाहर निकालकर यहाँ लाना असंभव के समान हो चुका है, क्योंकि अब वो सगुण से निर्गुण अर्थात साकार से निराकार हो रहे हैं, क्योंकि अब वो सगुण से निर्गुण अर्थात साकार से निराकार हो रहे हैं। प्रभु महाशिव सगुण से निर्गुण हो रहे हैं, निराकार हो रहे हैं। अब उनके प्रत्यक्ष रूप थोड़ा ही अंश अप्रत्यक्ष होना शेष। ये नहीं हो सकता माता, इस घटना को रोकने का अवश्य कोई उपाय होगा, कृपा कर आप ही बताइए मुझे। इस प्रकार संसार से शिव तत्व का लुप्त होना सृष्टि के संतुलन पर संकट के घोर बादल का छाना है। नारी उस शक्ति की प्रतीक है जो सृजन और विनाश दोनों कर सकती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।